खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जहां तक जेजेपी का सवाल है, गद्दार किस्म के लोग हैं और चौधरी अभय सिंह चौटाला बहुत बढ़िया नेता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब पता चल जाएगा जब विधानसभा का चुनाव होगा, जब इन लोगों को जेजेपी वालों को पता चल जाएगा इनकी कितनी औकात है। लेकिन ये दुष्यंत और दिग्विजय और उसकी माँ बिल्कुल नहीं होने देते। बीजेपी तो बहुत ही खराब पार्टी है। नमस्कार, K9 मीडिया में आपका स्वागत। मैं अरुण दून, हमारे साथ हमारी खास मुलाकात में मौजूद है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिला सोनीपत के चिकित्सा सेल के अध्यक्ष डॉक्टर कुलबीर सांगवान। सांगवान साहब, विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, तो इनेलो को किसी प्रकार की कुछ उम्मीद बची है? इनेलो पार्टी हमेशा किसान, गरीब और मजदूर की पार्टी रही है, आपको भी पता है और सारे देश को पता है। अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अगर किसानों की पार्टी नहीं है तो कोई भी पार्टी नहीं है, कि जो किसान, गरीब की, मजदूर की बात करती है वो सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा नुकसान प्रदेश में एक साल के अंदर झेलना पड़ा है तो वो इनेलो पार्टी है। सबसे ज़्यादा इस पार्टी के नेता दूसरी पार्टियों में गए हैं, इस पार्टी से अलग जेजेपी पार्टी बनी है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेता तो गए होंगे लेकिन कार्यकर्ता आज भी उस तरह से डटे हुए हैं मैदान में जिस तरह से पहले डटे हुए थे, ये एक सच्चाई है, इसको कोई नकार नहीं सकता। जहाँ तक जेजेपी का सवाल है, गद्दार किस्म के लोग हैं जो लोग गए हुए हैं, वो गद्दार किस्म के हैं, उनको स्वार्थ दिखाई देता और जनता को पता चल गया है। और चौधरी अभय सिंह चौटाला बहुत बढ़िया नेता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। डॉक्टर साहब, जेजेपी पार्टी नई पार्टी बनी थी, बात जींद उपचुनाव की जाए, वहाँ भी उसका प्रदर्शन इनेलो से अच्छा ही रहा। उसके बाद लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो जेजेपी की तरफ से बयान भी आया था दुष्यंत की तरफ से, जितनी वोट सारी इनेलो को मिली हैं 10 के 10 लोकसभा में, उससे ज़्यादा तो जेजेपी को हिसार से मिली। अब पता चल जाएगा जब विधानसभा का चुनाव होगा, जब इन लोगों को जेजेपी वालों को पता चल जाएगा इनकी कितनी औकात है। हमारी औकात ऐसे की ऐसे है, अब खाप पंचायत थी, आपने देखा होगा खाप पंचायत ने हमेशा ये सोचा है अगर भाई ये परिवार इकट्ठा हो जाए, लेकिन ये दुष्यंत और दिग्विजय और उसकी माँ बिल्कुल नहीं होने देते, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जनता को पता चल गया है और सारे किसान, गरीब और मजदूर जितने लोग हैं सारे के सारे इनके खिलाफ हैं, गाँवों में कोई इनका कोई वो नहीं है। दुष्यंत चौटाला बिल्कुल साफ है, अब हमारी पार्टी ऊपर है और दुष्यंत नीचे है। आपने तीनों नेताओं पर आरोप लगा दिया, वो एक नहीं होने देते, अब ऐसे क्या इस मामले में एक होने के मामले में ठीक? अब ऐसे ने अब भी बयान दिया था, मेरा बड़ा भाई जो कुछ कहेगा वो मान्य है, अगर मेरे को राजनीति में घर बैठाने के लिए कहेगा तो घर भी बैठने के लिए तैयार हूँ। ये अभय सिंह चौटाला का बड़प्पन है और ये आप लोगों को पता है, अभय चौटाला चाहे कोई धरना हुआ चाहे कुछ भी हुआ हमेशा पहुँचते हैं। सदस्य यह देखा होगा आपने, 1 करोड़ रुपये अभय सिंह चौटाला ने दिए थे और ये कहा था कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की अगर सरकार होगी तो 100 करोड़ रुपये देंगे, ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का वायदा है। बात की जाए बीजेपी की सरकार की, डॉक्टर साहब बीजेपी कह रही है इतने विकास के कार्य करवाए हैं, 75 नहीं अब तो 85 पार। बीजेपी तो बहुत ही खराब पार्टी है और मैं गांवों में जाता हूं और देखता हूं कि बीजेपी को तो सारे के सारे लोग, किसान और गरीब जो मजदूर हैं वो कोई नहीं चाहता। इन लोगों ने जात पात का जहर घोला है, आप लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये चक्कर में है अगर भाई एक इन जातों को पाट दिया जाए और दूसरी जातों को साथ मिला दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सारी जात जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी का कोई राज नहीं रहा 5 साल। जो आदमी अपने परिवार का नहीं होगा वो दूसरे का खट्टर कहते हैं ना जिसको, वो ये मांग करी अगर मैं गेस्ट टीचरों को बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दूंगा और वो कर दूंगा और कुछ नहीं करा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार है, ऐसी सरकार से छुटकारा चाहते हैं लोग। बात की जाए बड़ौदा की, इनेलो की भी सरकार 5 साल रही, 10 साल हुड्डा की सरकार रही, अब बीजेपी की सरकार है, तो क्या मानना है कौन इनेलो सरकार इन सरकारों से किस तरह लग रही, किस तरह विकास के कार्य प्रोद्यम? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने आप लोगों को पता है शुगर मिल का निर्माण करवा तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने करवा, ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में चाहे कोई सरपंच हुआ चाहे कोई दूसरा हुआ हमेशा उनका सम्मान किया है। और इन राज्यों में चाहे कांग्रेस की सरकार हुई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुआ, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई, गाँव में कोई विकास नहीं हुआ, हमारे राज्य में पूरा का पूरा विकास हुआ है। अभी आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में बताया तो कांग्रेस ने भी परिवर्तन किया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा को आगे किया है, तो उसका क्या प्रभाव मान?
शैलजा आपने देखा होगा, शैलजा ने पीछे 370 धारा हटाई तब भी शैलजा ने उसके पक्ष में बयान दिया था। और मैं कहता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इसलिए ऊपर है इनसे क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 370 के पक्ष में बयान दे रहा है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की खिलाफत कर रहा है। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आज भी वही है जब पहले थी, और दुष्यंत चौटाला बिल्कुल जीरो पर क्लीन बोल्ड हो जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बात की जाए विरोधी दल का से आप संबंध रखें डॉक्टर साहब, विरोधी दल का वो हल्का था जो लोकदल का गढ़ रहता था, अब फिर उसके बाद ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ हुआ, बीजेपी वाले कह रहे हैं अब ये बीजेपी का गढ़ होने जा रहा है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने 5 वायदे कर रखे हैं, आप लोगों को पता है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने यह कहा हम 3,000 रुपये पेंशन देंगे, और चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये पेंशन की थी। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने एक वायदा और कर रखा है, जो खेतों के अंदर मीटर लगे हुए हैं उनको पहाड़ के जोर में फेंक दिया जाएगा, और जो गांवों में मीटर लगे हुए हैं उनके आधे रेट कर दिए जाएंगे। एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने एक वायदा किया है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 10 लाख रुपये तक, चाहे वो गरीब किसान हुआ चाहे वो मजदूर हुआ किसी भी जाति से हुआ, अगर ऋण ले रखा है 10 लाख रुपये तो उसको माफ़ कर दिया जाएगा। एक बात और, चौधरी देवीलाल जी ने 5,000 रुपये पेंशन स्कीम कन्यादान योजना शुरू करी थी, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने वायदा किया है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की अगर सरकार होगी तो 5 लाख रुपए कन्यादान के रूप में दिए जाएंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, आप किसी को एमएलए बनाते हो, किसी को एमपी बनाते हो, सिर्फ इसलिए बनाते हो कि हमारे बहू को और बेटी को रोजगार मिले, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने एक वायदा किया है जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की अगर सरकार होगी न केवल एक घर से रोजगार मिलेगा, दूसरे घर को तब मिलेगा जब पहले घर को रोजगार मिलेगा, यह इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का वायदा है। एक वायदा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किया है, बेरोजगारी भत्ता 15,000 रुपए दिया जाएगा। एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूं, जो ट्रैक्टरों के अंदर पंजीकरण किया हुआ है, जो आज चालान कट रहे हैं, बुरा हाल है आम गरीब आदमी का, चाहे वो किसी भी जाति से संबंध रखता हो, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने वादा किया है कि ट्रैक्टर का जो पंजीकरण होगा वो सारा माफ कर दिया जाएगा। इनेलो से गया है तो कोई स्वार्थी नेता ही गया है, जबकि इनेलो का कार्यकर्ता आज भी इनेलो के साथ खड़ा है, ये कहना है सोनीपत चिकित्सा सेल के जिलाध्यक्ष डॉक्टर कुलबीर सांगवान का।